झांसी जिले के कस्बा गुड़सराय में चला नगर पालिका का बुलडोजर। आज नगर गुड़सराय में नायब तहसीलदार दीपेंद्र कुमार, अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार, वरिष्ठ लेखा लिपिक सोनू बक्सी एवं थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी, कस्बा इंचार्ज के बी सिंह के नेतृत्व में डीआर सिंह चौराहे से गरोठा चौराहा तक अतिक्रमण हटाया गया और दुकानदारों से 22,300 रुपया जुर्माना भी वसूला गया। जिन दुकानदारों ने जुर्माना की रसीद कटवाई उनको एक दिन का समय देकर कि वो स्वयं अपना सामान सड़क किनारे से हटा लें कहकर छोड़ दिया गया और जिन दुकानदारों ने जुर्माना की रसीद नहीं कटवाई बुलडोजर से उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण का विरोध किया कि हम अतिक्रमण की परिधि में नहीं आते, हमसे किस बात का जुर्माना लिया गया। अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि आगे भी समय समय पर यह अभियान चलाया जाएगा जिससे सड़क किनारे अतिक्रमण ना हो सके। इस दौरान लिपिक योगेंद्र मिश्रा, लिपिक मनीष बुधोलिया, आशाराम प्रजापति, जय नारायण कुशवाहा, प्रकाश दीक्षित, सफाई इंचार्ज मोहन श्रीवास एवं समस्त नगर पालिका स्टाफ मौजूद रहा। धन प्रकाश क्या हो गया है? अरे हमारी दुकान है, यहाँ आए नगर पालिका के लोग आए और मशीन चलाने लगे, कुछ लोगों ने डंडा मारा, भाई को मारा, हम लोग गल्ला मंडी में काम करते वहाँ से भागे। तुम लोगों को नोटिस नहीं दिया? कोई भी नोटिस नहीं दिया। 2,000 रुपए जुर्माना की रसीद है, ये रसीद देखो 2,000 रुपए नाले के 20 फुट अंदर है हम लोग और नाला भी बहुत दूर है हमारे करीब, जबरदस्ती लोग उठा रहे सामान ले जा रहे, ना कोई नोटिस ना कोई। झांसी से विनोद सोनी की रिपोर्ट।